7.2.9 उत्सर्जन तंत्र और उससे जुड़ी संरचनाएं, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू इट। सामान्य वातावरणीय स्थिति में हमारे शरीर से एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र निकलता है। यदि वातावरण गर्म और शुष्क हो तो आपने अनुभव किया होगा कि मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। ज़्यादा पानी पीने से मूत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ज़्यादा पसीना निकलने से आपका मूत्र भी ज़्यादा होता है? अधिक मात्रा में पानी पीने से हमें कई बार मूत्र त्यागना पड़ता है। पानी के अलावा मूत्र में कई अन्य अवयव भी होते हैं। अक्सर बीमार होने पर डॉक्टर मूत्र और रक्त के अवयवों की जांच करवाने को लिख देते हैं। क्रियाकलाप 7। आइए हम एक व्यक्ति के जांच रिपोर्ट के कुछ आंकड़ों का अवलोकन करके उसके रक्त और मूत्र के कुछ अवयवों की तुलना करते हैं। सारणी 1, रक्त और मूत्र की तुलनात्मक अध्ययन हेतु कुछ आंकड़े। रक्त और मूत्र में हम ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा कुल प्रोटीन जैसे अवयवों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ग्लूकोज की रक्त में सामान्य सीमा 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 82 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसी तरह मूत्र में सामान्य सीमा 50 से 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 65 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसी तरह यूरिया की रक्त में सामान्य मात्रा 15 से 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 29 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और मूत्र में सामान्य मात्रा 20 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। यूरिक अम्ल की रक्त में सामान्य मात्रा 3 से 5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 7.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसी तरह मूत्र में 600 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। कुल प्रोटीन जैसे अवयव की रक्त में सामान्य मात्रा 6 से 7.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, लेकिन परिणाम आया 7.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर तथा मूत्र में 0.1 ग्राम प्रतिदिन से कम आना चाहिए, लेकिन परिणाम आया 0.9 ग्राम प्रतिदिन। खाना खाए बिना लिया हुआ आंकड़ा, mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम प्रति डेसीलीटर। रिपोर्ट देखकर बताइए कि उपरोक्त व्यक्ति के मूत्र में किन अवयवों की मात्रा सामान्य मात्रा से अधिक है। रक्त में कौन से अवयव की मात्रा सामान्य मात्रा से अधिक है? क्या मूत्र में भी ऐसा ही है? मूत्र में पाए जाने वाले अवयवों की मात्रा ग्रहण किए गए भोजन के प्रकार और उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। प्रत्येक दिन हमारे शरीर में भोजन से संबंधित कई जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं, जिनमें कई पदार्थों का निर्माण व अपघटन होता रहता है। इन पदार्थों में से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे प्रोटीन के अपघटन से बने मुख्य रूप से यूरिया व यूरिक अम्ल हमारे उत्सर्जन तंत्र से ही शरीर से बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग एक जोड़ी वृक्क किडनी है। ये सेम के बीज की आकृति के और भूरे लाल रंग के होते हैं। ये पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी के अगल बगल स्थित होते हैं। चित्र देखकर बताएं कि उत्सर्जन तंत्र में और कौन कौन से अंग दर्शाए गए हैं। पूरे शरीर से होता हुआ रक्त हृदय में और हृदय से धमनियों द्वारा दोनों वृक्क में पहुंचता है। शिरा द्वारा रक्त वृक्क से बाहर निकलता है। अगर हम धमनी और शिरा के रक्त में पाए जाने वाले अवयवों की कुल मात्रा का अध्ययन करें तो पाएंगे कि शिरा में अवयवों की मात्रा कुछ कम होती है। जैसे धमनी में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, शिरा में नहीं के बराबर होती है। क्या आप जानते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में एक दिन में लगभग 170 लीटर रक्त वृक्क से होकर गुजरता है, जिसमें से लगभग 1.5 लीटर मूत्र ही बनता है। शेष द्रव का अधिकांश भाग पुनः रक्त वाहिनियों में अवशोषित होकर रक्त में बहता है।